राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। सोनीपत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर उनका पुतला जलाया। भाजपा नेता राजीव जैन ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो बयान दिया है इसके विरोध स्वरूप उनका पुतला जलाया जा रहा है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से ही नीति रही है कि जातिवाद का जहर फैलाना और धर्म के नाम पर राजनीति कराना। भरे बयान से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम जो हमेशा कांग्रेस करती रही है, वोट की राजनीति करती रही है। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने दोबारा से संसद सत्र में जो है इस तरह का बयान दिया है, हर हिंदू को आतंकवादी ठहराने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदू संस्कृति हमेशा से जो है दया प्रेम और भाव की रही है, लोगों के प्रति सहिष्णुता की रही है, और आज जो है राहुल गांधी ने ये कहकर सारे हिंदुओं को जो है दोषी ठहराने का काम किया है। इसके लिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी संसद सदस्यता से जो है उनको इस्तीफा देनी चाहिए। पूरे नहीं तो पूरे देश के हिंदू एकत्रित होकर राहुल गांधी का हर जगह जो विरोध करने का काम करेंगे, उनका घेराव करने का काम करेंगे। जो है हिंदुओं के हितों की रक्षा करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा वही जो है सच्चा देशभक्त है, हिंदू भक्त है। और मैं समझता हूँ कि ये काम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों वर्षों जो है हिंदुओं की रक्षा करता आ रहा है, हिंदुओं का समर्थन करता आ रहा है, उनकी बात कहता आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी 496 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो है वर्षों वर्षों से ये नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कांग्रेस जो है उनको लड़ाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।